और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को सौगात देने वाले हैं। जी हां, आज किसानों के खाते में 4000 जो राशि घोषणा की गई थी, उस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहाँ पर किसानों के खाते में 4000 की राशि डाली जाएगी। प्रदेश में किसान कल्याण योजना का आज होगा शुभारंभ। 26 सितंबर को आपको बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को सौगात देंगे और किसानों के खाते में 4000 की जो राशि है वो डाली जाएगी। तो किसान कल्याण योजना का होगा शुभारंभ, किसानों के खाते में 4000 की राशि डाली जाएगी। 26 सितंबर यानी कि कल इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, एक के बाद एक सौगातें जो है वो प्रदेश की जनता को मिलती जा रही है। मुख्यमंत्री कभी स्ट्रीट वेंडर्स को सौगात देते हैं, कभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को देते हैं, स्व सहायता समूह को देते हैं, छात्र छात्राओं को देते हैं, तो अब किसानों को एक और सौगात देने जा रहे हैं, जहाँ पर कल किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 4000 की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। लगता है कि उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खजाने को पूरी तरह से खोल दिया है। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो था सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था, तो उसमें जो है लोगों की सेवा करने का एक प्रण भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। उसके चलते लगातार जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं, जिस तरह से कभी स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है बिना ब्याज के, स्व सहायता समूहों की, आदिवासियों की बात की जाए तो आदिवासियों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान एक जो हमेशा से एक चुनावी मुद्दा भी रहा है और राजनीतिक पार्टियों के विशेष फोकस किसानों पर रहता है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब शिवराज सरकार हर साल किसानों के खाते में 4000 रुपए डालेगी। वही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के योजना की तर्ज पर इस किसान कल्याण योजना को शुरू किया जा रहा है और किसानों को अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार 6000 रुपए देती थी, तो और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 4000 रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है। और लगभग दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का मिलाया जाए तो 10000 रुपए साल अब किसानों को सम्मान निधि के रूप में मिलेगा। जी नीरज हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे पहले दर्शकों को बता दें, जो हमें राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। जी हाँ, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। डोर टू डोर जाकर सरकार की जो योजना है उसके बारे में बताया जाएगा। नीरज नीरज, आज से सरकार की महाजनसंपर्क अभियान की जो है वो शुरुआत होने जा रही है, और डोर टू डोर जाकर जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसके लिए बीजेपी ने काफी जोर शोर से तैयारियां काफी समय पहले से शुरू कर दी हैं। तो वहीं अब बात की जाए तो पूरी 28 विधानसभा सीटों पर आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी की सरकार की, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, दोनों ही सरकार की उपलब्धियों को डोर टू डोर जाके बताया जाएगा। वहीं मास्क का भी वितरण करने की योजना जो है बीजेपी की है, एक मास्क जो है लोगों को वितरित किया जाएगा, जिसमें मोदी की तस्वीर होगी, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर होगी, इस तरह का साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीर होगी, इस तरह का मास्क बांटने का भी आयोजन किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग इसको कह सकते हैं, बीजेपी का एक बड़ा फैसला है। जिस तरह से उपचुनाव पास में है उसको देखते हुए अब ये तैयारियां बीजेपी की जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और सी और क्या